सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम द्रोण पर्व जयद्रथ वध पर्व 91वां अध्याय अर्जुन और द्रोणाचार्य का वार्तालाप तथा युद्ध एवं द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़े हुए अर्जुन का कौरव सैनिकों द्वारा प्रतिरोध। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन की सेना का संहार करके सव्यसाची महारथी अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ को पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति ले हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आप मेरा कल्याण चिंतन कीजिए, मुझे स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी कृपा से ही इस दुर्भेद्य सेना के भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए पिता पांडु, भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर तथा सखा श्री कृष्ण के समान है, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। तात, निष्पाप द्विज श्रेष्ठ, जैसे अश्वत्थामा आपके लिए रक्षणीय है, उसी प्रकार मैं भी सदैव आपसे संरक्षण पाने का अधिकारी हूँ। नरश्रेष्ठ, मैं आपके प्रसाद से इस युद्ध में सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन के ऐसा कहने पर उस समय द्रोणाचार्य ने उन्हें हंसते हुए से उत्तर दिया, अर्जुन, मुझे पराजित किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है। अर्जुन से इतना ही कहकर द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते रथ, घोड़े, ध्वज तथा सारथी सहित उनके ऊपर तीखे बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के बाण समूहों का निवारण करके बड़े बड़े भयंकर बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उन्होंने द्रोणाचार्य का समादर करते हुए क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले पुनः 9 बाणों द्वारा उनके चरणों में आघात किया। द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन के उन बाणों को काटकर प्रज्वलित विष एवं अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को घायल कर दिया। तब पांडुनंदन अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के धनुष को काट देने की इच्छा की। महामना अर्जुन अभी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि पराक्रमी द्रोणाचार्य ने बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही उनके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली और अर्जुन के घोड़ों, ध्वज और सारथी को भी बींध डाला। इतना ही नहीं, वीर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। इसी बीच में संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन ने अपने विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और आचार्य से बढ़कर पराक्रम दिखाने की इच्छा से तुरंत 600 बाण छोड़े। उन बाणों को उन्होंने इस प्रकार हाथ में ले लिया था मानो एक ही बाण हो। तत्पश्चात 700 और फिर 1000 ऐसे बाण छोड़े जो किसी प्रकार प्रतिहत होने वाले नहीं थे। तदनंतर अर्जुन ने 10,000 बाणों द्वारा प्रहार किया। उन सभी बाणों ने द्रोणाचार्य की उस सेना का संहार कर डाला। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले अस्त्रवेत्ता महाबली अर्जुन के द्वारा बलिभांति चलाए हुए उन बाणों से घायल हो बहुत से मनुष्य, घोड़े और हाथी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए बहुतेरे रथी सारथी, अश्व, ध्वज, अस्त्र शस्त्र और प्राणों से भी वंचित हो सहसा श्रेष्ठ रथों से नीचे जा गिरे। वज्र के आघात से चूर चूर हुए पर्वतों, वायु के द्वारा संचालित हुए भयंकर बादलों तथा आग में जले हुए गृहों के समान रूप वाले बहुत से हाथी धराशायी हो रहे थे। अर्जुन के बाणों से मारे गए सहस्त्रों घोड़े रणभूमि में उसी प्रकार पड़े थे जैसे वर्षा के जल से आहत हुए बहुत से हंस हिमालय की तलहटी में पड़े हुए हों। प्रलय काल के सूर्य की किरणों के समान अर्जुन के तेजस्वी बाणों द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों के समूह सूर्य किरणों द्वारा सूखे गए अद्भुत जल प्रवाह के समान जान पड़ते थे। जैसे बादल सूर्य की किरणों को छिपा देता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अपने बाण वर्षा के वेग से अर्जुन रूपी सूर्य के इस बाण रूपी किरण समूहों को आच्छादित कर दिया,
जो युद्ध में मुख्य मुख्य कौरव वीरों को संतप्त कर रहा था। तत्पश्चात शत्रुओं के प्राण लेने वाले एक नाराज का प्रहार करके द्रोणाचार्य ने अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उस आघात से अर्जुन का सारा शरीर विह्वल हो गया, मानो भूकंप होने पर पर्वत हिल उठा हो। तथापि अर्जुन ने धैर्य धारण करके पंख युक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर द्रोण ने भी 5 बाणों से भगवान श्री कृष्ण को, 73 बाणों से अर्जुन को और 3 बाणों द्वारा उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई। राजन, पराक्रमी द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर पलक मारते मारते अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को अदृश्य कर दिया। हमने देखा द्रोणाचार्य के बाण परस्पर सटे हुए गिरते थे। उनका अद्भुत धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। राजन, उस सम्रांगण में द्रोणाचार्य के छोड़े हुए कंक पत्र विभूषित बहुत से बाण श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का वैसा युद्ध देखकर परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने मन ही मन कर्तव्य का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, अर्जुन महाबाहो, हमारा अधिक समय यहाँ न बीत जाए, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चले, यही इस समय सबसे महान कार्य है। तब अर्जुन ने भी सच्चिदानंद स्वरूप केशव से कहा, प्रभु आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। तत्पश्चात अर्जुन महाबाहु द्रोणाचार्य की परिक्रमा करके लौट पड़े और बाणों की वर्षा करते हुए आगे चले गए। यह देख द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा, पांडुनंदन तुम इस प्रकार कहां चले जा रहे हो? तुम तो रण क्षेत्र में शत्रु को पराजित किए बिना कभी नहीं लौटते थे। अर्जुन बोले, ब्रह्मन आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं है। मैं आपका पुत्र के समान प्रिय शिष्य हूं। इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो युद्ध में आपको पराजित कर सके। संजय कहते हैं, राजन ऐसा कहते हुए महाबाहु अर्जुन ने जयद्रथ वध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ आपकी सेना पर धावा किया। आपकी सेना में प्रवेश करते समय उनके पीछे पीछे पांचाल वीर महामना युधामन्यु और उत्तमौजा चक्र रक्षक होकर गए। महाराज तब जय सात्वत वंशी कृत वर्मा, काम्बोज नरेश तथा श्रुतायु ने सामने आकर अर्जुन को रोका। इनके पीछे 10,000 रथी अभिशाह, शूरसेन, शिबी, वसाति, मावेल्लक, ललित, केकय, मद्रक, नारायण नामक गोपालगण तथा काम्बोज देशीय सैनिक गण भी थे। इन सबको पूर्व काल में कर्ण ने रणभूमि में जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ये सब के सब शूरवीरों द्वारा सम्मानित योद्धा थे और प्रसन्न चित्त हो द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन पर चढ़ आए थे। अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त एवं कुपित हुए प्राणांतक मृत्यु के समान प्रतीत होते थे। वे उस भयंकर युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करने के लिए उद्यत, कवच आदि से सुसज्जित और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। जैसे यूथपति गजराज गज समूह में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आपकी सेना में घुसते हुए महाधनुर्धर परम पराक्रमी उन नरश्रेष्ठ अर्जुन को उन योद्धाओं ने आकर रोका। तदनंतर एक दूसरे को ललकारते हुए कौरव योद्धाओं तथा अर्जुन में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे चिकित्सा की क्रिया उभरते हुए रोग को रोक देती है, उसी प्रकार जयद्रथ का वध करने की इच्छा से आते हुए पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को समस्त कौरव वीरों ने एक साथ मिलकर रोक दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोणातिक्रमण विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 92वां अध्याय, अर्जुन का द्रोणाचार्य और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए कौरव सेना में प्रवेश तथा श्रुतायुध का अपनी गदा से और सुदक्षिण का अर्जुन द्वारा वध। संजय कहते हैं, रथियों में श्रेष्ठ एवं महान बल और पराक्रम से संपन्न अर्जुन जब उन कौरव सैनिकों द्वारा रोक दिए गए, उस समय द्रोणाचार्य ने भी तुरंत ही उनका पीछा किया। जैसे रोगों का समुदाय शरीर को संतप्त कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की उस सेना को अत्यंत संताप दिया।
जैसे सूर्य अपनी प्रचंड किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उन्होंने घोड़ों को घायल कर दिया, रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गजारोहियों सहित हाथी को मार गिराया, छत्र इधर उधर बिखेर दिए तथा रथों को पहियों से सूना कर दिया। उनके बाणों से पीड़ित होकर सारे सैनिक सब ओर भाग चले। वहां इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी भान नहीं हो रहा था। राजन, उस युद्ध स्थल में कौरव सैनिक एक दूसरे को काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन अपने बाणों द्वारा उनकी सेना को बारंबार कंपित कर रहे थे। सत्य प्रतिज्ञ श्वेतवाहन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करने की इच्छा से लाल घोड़ों वाले रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय आचार्य द्रोण ने अपने महाधनुर्धर शिष्य अर्जुन को 25 मर्म भेदी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भी तुरंत ही उनके बाणों के वेग का विनाश करने वाले भल्लों का प्रहार करते हुए उन पर आक्रमण किया। अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने अर्जुन के तुरंत चलाए हुए उन भल्लों को झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा ही काट दिया और ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अद्भुत अस्त्र शिक्षा हमने देखी कि नवयुवक अर्जुन प्रयत्नशील होने पर भी उन्हें अपने बाणों द्वारा चोट न पहुंचा सके। जैसे महान मेघ जल की सहस्त्रों धाराएं बरसाता रहता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अर्जुन रूपी पर्वत पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। पूजनीय नरेश, उस समय अपने बाणों द्वारा उनके बाणों को काटते हुए तेजस्वी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही आचार्य की उस बाण वर्षा को रोका। तब द्रोणाचार्य ने 25 बाण मारकर श्वेतवाहन अर्जुन को पीड़ित कर दिया। साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं तथा वक्ष स्थल में भी उन्होंने 70 बाण मारे। परम बुद्धिमान अर्जुन ने हंसते हुए ही युद्ध स्थल में तीखे बाणों की बौछार करने वाले द्रोणाचार्य को उनकी बाण वर्षा सहित रोक दिया। तदनंतर द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय प्रलय काल की अग्नि के समान उठे हुए उन दुर्धर्ष आचार्य को छोड़कर अन्यत्र चल दिए। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों का निवारण करते हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन ने कृतवर्मा की सेना का संहार आरंभ किया। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए कृतवर्मा तथा काम्बोज राज सुदक्षिण के बीच से होकर निकले। तब पुरुष सिंह कृतवर्मा ने कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन को कंक पत्र युक्त 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। उस समय उसके मन में तनिक भी व्यग्रता नहीं हुई। राजन, अर्जुन ने कृतवर्मा को उस युद्ध स्थल में 100 बाणों द्वारा बींद डाला। फिर उसे मोहित सा करते हुए उन्होंने 3 बाण और मारे। तब कृतवर्मा ने भी हंसकर कुंती कुमार अर्जुन और मधुवंशी भगवान वासुदेव में से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे। यह देख अर्जुन ने उसके धनुष को काटकर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर और आग की लपटों के समान तेजस्वी 21 बाणों द्वारा उसे भी घायल कर दिया। भारत, तब महारथी कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही 5 बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई, फिर 5 तीखे बाण और मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। यह देख अर्जुन ने कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे। कुंती कुमार अर्जुन को कृतवर्मा के रथ से उलझे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि हम लोगों का अधिक समय यहीं न व्यतीत हो जाए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कृतवर्मा पर दया न करो, इस समय संबंधी होने का विचार छोड़कर इसे मत कर मार डालो। तब अर्जुन अपने बाणों द्वारा कृतवर्मा को मूर्छित करके अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा काम्बोजों की सेना पर आक्रमण करने लगे। श्वेतवाहन अर्जुन के व्यूह में प्रवेश कर जाने पर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। वह बाण सहित धनुष को हिलाता हुआ पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा से भिड़ गया। वे दोनों पांचाल वीर अर्जुन के चक्र रक्षक होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कृतवर्मा ने अपने रथ और बाणों द्वारा वहां आते हुए उन दोनों वीरों को रोक दिया। भोजवंशी कृतवर्मा ने अपने 3 तीखे बाणों द्वारा युधामन्यु को
और 4 बाणों से उत्तम औजा को घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी कृतवर्मा को 10-10 बाणों से बींध दिया। फिर युधामन्यु ने 3 और उत्तमौजा ने भी 3 बाणों द्वारा उसे चोट पहुंचाई। साथ ही उन्होंने कृतवर्मा के ध्वज और धनुष को भी काट डाला। यह देख कृतवर्मा क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में लेकर उन दोनों वीरों के धनुष काट दिए। तत्पश्चात वह उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। इसी तरह वे दोनों पांचाल वीर भी दूसरे धनुषों पर डोरी चढ़ाकर भोजवंशी कृतवर्मा को चोट पहुंचाने लगे। इसी बीच में अवसर पाकर अर्जुन शत्रुओं की सेना में घुस गए, परंतु कृतवर्मा द्वारा रोक दिए जाने के कारण वे दोनों नरश्रेष्ठ युधामन्यु और उत्तमौजा प्रयत्न करने पर भी आपके पुत्रों की सेना में प्रवेश करने का द्वार न पा सके। श्वेत घोड़ों वाले शत्रुसूदन अर्जुन उस युद्ध स्थल में बड़ी उतावली के साथ शत्रु सेनाओं को पीड़ा दे रहे थे, परंतु उन्होंने कृतवर्मा को सामने पाकर भी मारा नहीं। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ते देख शूरवीर राजा श्रुतायुध अत्यंत कुपित हो उठे और अपना विशाल धनुष हिलाते हुए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे, फिर अत्यंत तीखे क्षुरप्र से अर्जुन की ध्वजा पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अंकुशों से महान गजराज को पीड़ित करने की भांति झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से राजा श्रुतायुध को चोट पहुंचाई। राजन, उस समय राजा श्रुतायुध पांडु कुमार अर्जुन के उस पराक्रम को न सह सके, अतः उन्होंने अर्जुन को 77 बाण मारे। तब अर्जुन ने उनका धनुष काटकर उनके तरकश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 7 बाणों द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो राजा श्रुतायुध ने क्रोध से अचेत होकर दूसरा धनुष हाथ में लिया और इंद्र कुमार अर्जुन की भुजाओं तथा वक्ष स्थल में 9 बाण मारे। भारत, यह देख शत्रु दमन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ही श्रुतायुध को कई हजार बाण मारकर पीड़ित कर दिया। साथ ही उन महारथी एवं महाबली वीर ने उनके घोड़ों और सारथी को भी शीघ्रता पूर्वक मार डाला और 70 नाराचों से श्रुतायुध को भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर पराक्रमी राजा श्रुतायुध उस रथ को छोड़कर हाथ में गदा ले सम्रांगण में अर्जुन पर टूट पड़े। वीर राजा श्रुतायुध वरुण के पुत्र थे। शीत सलीला महानदी परणाशा उनकी माता थी। राजन, उनकी माता परणाशा अपने पुत्र के लिए वरुण से बोली, प्रभु, मेरा यह पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। तब वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, मैं इसके लिए हितकारक वर के रूप में यह दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूं जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा। सरिताओं में श्रेष्ठ परणाशे, मनुष्य किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने यहां जन्म लिया है उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। तुम्हारा यह पुत्र इस अस्त्र के प्रभाव से रणक्षेत्र में शत्रुओं के लिए सदा ही दुर्धर्ष होगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता निवृत्त हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर वरुण देव ने श्रुतायुध को मंत्रोपदेश पूर्वक वह गदा प्रदान की, जिसे पाकर वे संपूर्ण जगत में दुर्जय वीर माने जाते थे। गदा देकर भगवान वरुण ने उनसे पुनः कहा, वत्स, जो युद्ध न कर रहा हो उस पर इस गदा का प्रहार न करना, अन्यथा यह तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरेगी। शक्तिशाली पुत्र, यह गदा प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रयोक्ता पुरुष को भी मार सकती है। परंतु काल आ जाने पर श्रुतायुध ने वरुण देव के इस आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने उस वीर घातिनी गदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचाई। पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपने हृष्ट पुष्ट कंधे पर उस गदा का आघात सह लिया, परंतु जैसे वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती है उसी प्रकार वह गदा श्री कृष्ण को कंपित न कर सकी। जैसे दोष युक्त अभिचारिक क्रिया से उत्पन्न हुई कृत्या उसका प्रयोग करने वाले यजमान का ही नाश कर देती है, उसी प्रकार उस गदा ने लौटकर वहां खड़े हुए अमर्षशील वीर श्रुतायुध को मार डाला। वीर श्रुतायुध का वध करके वह गदा धरती पर जा गिरी। लौटी हुई उस गदा को और उसके द्वारा मारे गए वीर श्रुतायुध को देखकर वहां आपकी सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। नरेश्वर, शत्रुदमन श्रुतायुध को अपने ही अस्त्र से मारा गया देख यह बात ध्यान में आई
कि श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा चलाई है, इसीलिए उस गदा ने उन्हीं का वध किया है। वरुण देव ने जैसा कहा था युद्ध भूमि में श्रुतायुध की उसी प्रकार मृत्यु हुई। वे संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय परणाशा के प्रिय पुत्र श्रुतायुध आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। शत्रुसूदन श्रुतायुध को इस प्रकार मारा गया देख सारे सैनिक और संपूर्ण सेनापति वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात काम्बोज राज का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेगशाली अश्वों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन का सामना करने के लिए आया। भारत, अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण चलाए। वे बाण उस शूरवीर के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गए। गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए तीखे बाणों से अत्यंत घायल होने पर सुदक्षिण ने उस रणक्षेत्र में कंक की पांख वाले 10 बाणों द्वारा अर्जुन को क्षत विक्षत कर दिया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 3 बाणों से घायल करके उसने अर्जुन पर पुनः 5 बाणों का प्रहार किया। आर्य, तब अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसकी ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद पांडु कुमार अर्जुन ने 2 अत्यंत तीखे भल्लों से सुदक्षिण को बींध डाला। फिर सुदक्षिण भी 3 बाणों से पार्थ को घायल करके सिंह के समान दहाड़ने लगा। शूरवीर सुदक्षिण ने कुपित होकर पूर्णतः लोहे की बनी हुई घंटा युक्त भयंकर शक्ति गांडीवधारी अर्जुन पर चलाई। वह बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होती और चिंगारियां बिखेरती हुई महारथी अर्जुन के पास जा उनके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शक्ति के द्वारा गहरी चोट खाकर महातेजस्वी अर्जुन मूर्छित हो गए। फिर धीरे धीरे सचेत हो अपने मुख के दोनों कोनों को जीभ से चाटते हुए अचिंत्य पराक्रमी पार्थ ने कंक के पांख वाले 14 नाराचों द्वारा घोड़े, ध्वज, धनुष और सारथी सहित सुदक्षिण को घायल कर दिया। फिर दूसरे बहुत से बाणों द्वारा उसके रथ को टूक टूक कर दिया और काम्बोज राज सुदक्षिण के संकल्प एवं पराक्रम को व्यर्थ करके पांडुपुत्र अर्जुन ने मोटी धार वाले बाण से उसकी छाती छेद डाली। इससे उसका कवच फट गया, सारे अंग शिथिल हो गए, मुकुट और बाजू बंद गिर गए तथा शूरवीर सुदक्षिण मशीन से फेंके गए ध्वज के समान मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे सर्दी बीतने के बाद पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ सुंदर शाखाओं से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं शोभा संपन्न कनेर का वृक्ष वायु के वेग से टूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार काम्बोज देश के मुलायम बिछौनों पर शयन करने के योग्य सुदक्षिण वहां मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा था। बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित एवं शिखर युक्त पर्वत के समान सुदर्शनीय अरुण नेत्रों वाले काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को अर्जुन ने एक ही बाण से मार गिराया था। अपने मस्तक पर अग्नि के समान दमकते हुए सुवर्णमय हार को धारण किए महाबाहु सुदक्षिण यद्यपि प्राण शून्य करके पृथ्वी पर गिराया गया था, तथापि उस अवस्था में भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर श्रुतायुध तथा काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को मारा गया देख आपके पुत्र की सारी सेनाएं वहां से भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में श्रुतायुध और सुदक्षिण का वध विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। Yeah.
यथार्थ मोक्ष पाए।